हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा है। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। महावीर की साधना क्या थी? महावीर की सारी साधना पराक्रम की थी, पुरुषार्थ की थी, स्वयं के बल पर आगे बढ़ने की थी। महावीर किसी परमात्मा को आश्रय स्वीकार नहीं करते। कोई देवी देवता, कोई परमात्मा, कोई अन्य शक्ति तुम्हें आकर के तुम्हें उभार देगी, तुम्हें ऊपर उठा देगी, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारा अपना पराक्रम, पुरुषार्थ, महावीर का दर्शन, जैन दर्शन पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, अपने बल पर, अपने कंधों पर चलने का है। यहां कोई प्रार्थना, आराधना, पूजा, अर्चना, देवी देवताओं का कोई स्थान नहीं। तो कैसी थी महावीर की साधना, उसकी हम चर्चा करेंगे आज। साधना को जानने के लिए जो साधना में बाधक तत्व हैं, कौन कौन से बाधक तत्व हैं जो हमें साधना करने नहीं देते, उसका भी आज चिंतन करेंगे। पहला है आलस। कार्य को सिद्ध करने के लिए साधन सामग्री उपलब्ध होने पर भी एकमात्र आलस के कारण कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। जो होना है वो निश्चित है, होने वाला ही है, फिर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? होगा, निश्चित होगा। महावीर जानते थे, वो अहंत थे कि इसी भाव में मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु महावीर ने 12.5 वर्ष की कठोर साधना क्यों की? इंद्र सामने खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम रक्षा करें आपकी। प्रभु ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक कोई अरिहंत किसी के सहायता से अरिहंत बना हो? नहीं, देवराज इंद्र, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसा पराक्रम कहा गया, सिंहों के नहीं लेड़े साधु चले ना जमात। सिंह इस संगठन में विश्वास ही नहीं करता। कभी देखा है 10-15 सिंह इकट्ठे होकर के जा रहे हैं? जंगल में अकेला सिंह चलता, सिंहों के नहीं लेड़े साधु चले ना जमात। जमात बना करके साधु नहीं चलता, अकेला निर्ग्रंथ, अकेला। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं अकेले गए, उनके साथ में आते रहे पर वो अकेले निकले। तो महावीर की साधना एकाकी है, ध्यान की है, मौन की है, साधना की है। तो पहला जो बाधक तत्व है आलस। कार्य सिद्ध करने के लिए 5 तत्व चाहिए। याद है आपको 5 तत्व कौन से हैं? काल, स्वभाव, नीति, कर्म और पुरुषार्थ। 5 चीजें मिलते हैं तो कार्य की सिद्धि होती है। काल, स्वभाव, नीति, कर्म और पुरुषार्थ। 4 मिल जाए, पुरुषार्थ ना हो तो कैसे होगा? पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। प्रभु महावीर जानते थे
इसी भाव में मुझे मोक्ष होने वाला है। फिर भी महावीर के 12.5 वर्ष का पुरुषार्थ रहा। महावीर की चर्चा करेंगे पुरुषार्थ के बारे में। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुषार्थ अचारंग सूत्र के अंदर पुरुषा परमचक्षु पिपरिकम मा, भगवान की गाथा है। पुरुषा परमचक्षु, हे निर्मल ज्योति वाले पुरुष, तू पराक्रम कर। कौन सा पराक्रम बोलो, कौन सा पराक्रम? सबसे ज्यादा पुरुषार्थ जीव का जीव में स्थित होना। जीव जीव में स्थित हो जाए, और कितना स्थित हो पाती है देखो, 1 मिनट के अंदर 5 बार तो मन जाता होगा इधर उधर उधर, और आज की साधना कल की साधना देख, कोई भी साधना भगवान की उठा करके देख लो, जीव का जीव में स्थित होना। शुक्ल ध्यान, ये शुक्ल ध्यान है। आर्तरोदर धर्म, आर्तरोदर तो भगवान ने काली का छोड़ दो, क्योंकि मूल कारण आर्तरोदर में, संसार का कारण आर्तरोदर का है। कर्तापन, मैंने किया उसने किया, अहंकार ममकार, तेरा मेरा, शिकवा शिकायत, जिंदगी भर हम शिकवा शिकायत करते रहते हैं, आर्तरोदर में आता है, कर्म बंधन का कारण है। और धर्म करते हो तो स्तुति कर ली, पाठ कर लिया, जप कर ली, माला कर ली, पूजा कर ली, इससे पुण्य का बंध हो जाएगा। शुक्ल ध्यान कठिन है, असंभव नहीं है। भगवान ने कहा पंचम काल में तुम शुक्ल ध्यान कर सकते हो, पंचम काल में अक्षय समगति प्राप्त कर सकते हो। इसमें पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ है, एक ही पुरुषार्थ करना। मैं पुरुषार्थ करने के लिए जड़ और जीव का भेद, अभी हमारी पूर्णता नहीं हुई, हम कह देते हैं ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जड़। जड़ का मतलब क्या है? ये जड़ के प्रति आसक्ति है, ये मोह है, बहुत दुखी करता है। सबसे ज्यादा जड़ का मोह, शरीर का मोह, कितना मोह है। देखो जरा सा कोई घाव हो जाए, जरा सा जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, सब छोड़ देंगे। आज उपवास नहीं कर सकते, बुखार आ गया, छोड़ देते हैं। और जब जब आप तप करोगे, ध्यान करोगे, शरीर पर उपसर्ग आएगा, निश्चित आएगा, मान करके चलो। तुम कौशक करो 1 घंटे आधे घंटे का, कोई ना कोई उपसर्ग आएगा। 3 बातें मुख्य हैं पुरुषार्थ की, जड़ और जीव का भेद करते रहना। भेद की परिपूर्णता नहीं हो पाएगी अभी, परिपूर्णता कब होगी? जब केवल ज्ञान होगा। पर केवल ज्ञान के नजदीक 50%, 60%, 70% ऐसे तो आगे बढ़े। जड़ जीव का भेद और जड़ का मोह तोड़ना है, और जीव का जीव में स्थित होना। जड़ जीव का भेद और जीव का जीव में स्थित होना, और तीसरा मैं जीवात्मा पर श्रद्धा करूंगा। चलो ये मान लेते हैं, एक फंडामेंटल और, उदय कर्म को स्वीकार कर लेना। जो परिस्थिति हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कैसे भी हो, मेरा मान हो अपमान हो, सुख हो दुख हो, उसको स्वीकार कर लेना। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो, इसमें पुरुषार्थ करना है मुझे और आपको। कठिन है पर असंभव नहीं है। जो भी उदय कर्म आए, और भगवान महावीर का यही पुरुषार्थ था, उदय कर्म आए। भगवान महावीर ने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही जब उनके ऊपर चंदन का विलेपन और सुगंधित पदार्थ शरीर पर लगाए गए, भगवान को तो कोई जरूरत नहीं थी। जैसे वो दीक्षा लेकर के जाते, भ्रमर पक्षी
सुगंध लेके उसके शरीर को नोचते हैं, भगवान कुछ नहीं करते, उनके लिए वो इबादत बन गई। आई हुई परिस्थिति, जो परिस्थिति आ गई है उसको स्वीकार करना, उदय कर्म को। हम उदय कर्म को स्वीकार नहीं कर पाते, जो कुछ हो रहा है हमारे उदय कर्म से हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा। तुम्हारा जन्म, तुम्हारे माता पिता, तुम्हें कुछ च्वाइस थी तुम्हारी माता पिता की, ये मेरी माँ बने, पत्नी तो चुन करके ले आते हो फिर भी झगड़े चलते हैं, जिसको चुन करके लाए हो उसके साथ ही अनबन रहती है। आई हाथ आए कजाले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से, ना माता पिता का पता, ना परिवार का पता, ना कुल का पता, किस कुल में जन्म लेंगे, जैन कुल में लेंगे, हिंदू कुल में लेंगे, सिख में बनेंगे, सब जगह जाया है हम, सब जगह जाया है, अपनी कोई च्वाइस नहीं। जो तुम्हें कर्म दिया, कर्म के कारण ये कारमान शरीर साथ जाता है, क्या जाता है, आत्मा के साथ कारमान शरीर। कारमान शरीर में क्या होता है, क्या क्या होता है कारमान शरीर में, क्या क्या होता है, पाप और पुण्य होता है। तुम्हारा पाप भी उदा आएगा और पुण्य भी उदा आएगा। कल आपने देखा चेलना को गर्भ में दुहद आया, ये पति के कलेजे का मांस खाऊं, कभी पत्नी सोच सकती, वो गर्भस्थ जीव चाहता है ऐसा। ये संस्कार पूर्व जन्म के, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब जाते हैं कर्म साथ लेके जाते, आत्मा के साथ कारमन शरीर जाता है, और कारमन शरीर जैसा कर्म उदा में आता है वही जन्म कुल परंपरा आपको मिलती है, माता पिता जो कुछ उसके अनुसार मिलता है। यदि बहुत पाप का उदा आया है तो नरक में भी जाना पड़ सकता है, और कम है तो पशु बनना पड़ता है, पुण्य ज्यादा है तो मनुष्य बन जाओगे, और पुण्य ज्यादा है तो राजा महाराजा बन जाओगे, सेठ बन जाओगे, और अधिक पुण्य तो देव बन जाओगे। कारमन शरीर पर कर्म घटाने हैं, भगवान की यही साधन है। कैसे घटेंगे, भगवान ने बताया सबसे अधिक कारमन शरीर पर कर्म क्षय होते हैं, जीव का जीव में स्थित रहे बस, और कुछ नहीं करना। तप ना कर सको, नहीं कर सके, कोई बड़ी बात नहीं, तप करो अच्छा है। जो तप करते हैं, मांस खमन भी करते हैं, मैं देखता हूं, उस शरीर को तपाते हैं। शरीर को तो आपने तपा लिया, भोजन नहीं दिया, पर मन का क्या है, 24 घंटे मन तो खुला है ना, सारे विचार मन से आ रहे हैं जा रहे हैं, मन को नियंत्रण किसने किया, मन बुद्धि और इंद्रियां। शुक्ल ध्यान घटित ही नहीं होगा, भगवान स्वयं कहते हैं मन के पार जाओ, बुद्धि के पार जाओ, ये पांचों इंद्रियों के विषयों के पार जाओ। मन बुद्धि इंद्रियां ये देह की हैं, आत्मा के से कोई संबंध नहीं, आत्मा अकेली एकत्व भावना में पुरुष, बस इसमें पुरुषार्थ। और एक निश्चित कर लो कि मैं जीवात्मा, और जीवात्मा के 8 गुण 8 संपदा मिली है मुझे, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है। कुछ ना पढ़ो, कुछ ना लिखो, ज्ञान भीतर से आता है। जैसे जैसे ज्ञानावरणी कर्म टूटेगा, ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। ये बौद्धिक ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, जो हम लिखते हैं पढ़ते हैं अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहता, पर ज्ञान भीतर से है, दर्शन भीतर से है, शक्ति भीतर से है, सुख भीतर। यदि आज आपको सुख मिल रहा है, अचानक बैठे आप सुखी हैं, वो आत्मा का सुख होता है। आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत परिचय आ रहा है, आप सुख में हैं। आप तपस्या कर रहे हैं, बहुत वेदना हो रही है, आप भेद ज्ञान सा बन भयो, समता रस मर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर। ये किसका दोहा है, बनारसी दास, एक श्रावक कवि बनारसी दास, ऐसे श्रावक थे, भेद ज्ञान जानने वाले। भेद ज्ञान सा बन भयो,
किसकी साबुन लगानी, मैंने कपड़े धोते ना, साबुन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फिर वो उसको रगड़ने का भी चाहिए। भेद ज्ञान, जड़ और जीव का भेद, दो तत्व है शरीर और आत्मा, इसका साबुन लगाना। समता रस भरनी, पानी किसका, समता, जो भी आए स्वीकार कर लो। धोना किसको है, अंतर धोबी आत्मा, धोने वाला कौन, अंतर धोबी आत्मा है। धोना किसको है, धोवे निज गुण चीर, अपनी ही आत्मा पर लगे हुए जो कर्म है उसको धोना है। एक दोहे में कितना सार दे दिया। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो वज्जायानंग नमो लोय सत्साहुनं धम्मो मंगलमुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावितंग नमंग संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसीशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सीजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने चार ब्रांड्स कोहे, कंदारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।